सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया हैं। गाइज, मैं चुका एक और ब्रांड न्यू जानदार शानदार वाला सोलो कॉन्करर धोबी का वीडियो लेके। भाई आज का वीडियो ना सीरियसली बोल रहा हूँ, एंड तक देखना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी गेम में भाई पूरी तबाही मचाने वाले हैं। जिधर जिधर जाते हैं उधर उधर जाके बंदे मारने वाले हैं। वो भाई आप स्टार्टिंग में ना आप किलिंग का ट्रेलर देख सकते हो, कितने ज़्यादा बंदे अपने मारने वाले ना। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं ऊपर उतरा था, अब है ना ऊपर उतरते मेरे को मिल जाती है शॉट गन। अब मैं एक ही चीज़ की भाई दुआ कर रहा था, भाई नीचे वाले बंदे को ना गन नहीं मिलनी चाहिए बिल्कुल भी। भले कोई पिस्टल वगैरह मिलती है ना तो भी अपनों को दिक्कत हो जाएगी, बट यार वाले बंदे को पिस्टल मिल जाती है फिर भी ना मैं उसके ना बंदे के पीछे पीछे चल जाता हूँ। तो भाई ये वाले बंदे को तो भाई अपने पिस्टल से ही मार देते हैं, क्योंकि यहाँ पर शॉटगन में ना थोड़ा सा अपनों को उसको हार्ड हो जाता है, क्योंकि वाले बंदे को पिस्टल मिल जाती है। खैर ये वाले बंदे को तो अपनों ने मार दिया। अब जल्दी से इधर से ना रोजोक वाली साइड ही निकलते हैं। गाइस अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपने ऐसी सोलो की जानदार शानदार वाली वीडियो लाते रहते हैं। तो भाई अब है ना सोलो में देखो, अगर आप सोलो में रैंक पुश कर रहे हो ना तो भाई आज की वीडियो ना जरूर देखना, आपको पता लग जाएगा भी कैसे हाई प्लस लेना है और वह बहुत ही बढ़िया इजी किल अपने ये वाली गेम में निकालने वाले हैं। तो जल्दी से भाई रोजोक चलते हैं। यहाँ पर भाई देखो कोई गाड़ी तो खड़ी है नहीं, तो भाई मैं रोजोक है ना पैदल ही आ जाता हूँ। वहाँ पर भाई देखो कोई भी गाड़ी वगैरह तो मिलती है नहीं। तो भाई देखो बढ़िया अपनों को गन तो मिलती है नहीं, देखो यूजी मिली होती है पर ऊपर वाले घर में ना बंदा होता है। तो यहाँ पर ना मैं सिर्फ उसे बोट फायर देता हूँ अब, ताकि वो वाला बंदा ना मेरे वाले जाल में फंस जाए। वो बंदा देखो वहाँ पर आया था, अभी ना यहाँ पर मैं इसको करता हूँ ग्रेनेड। यहाँ पर मेरे को ग्रेनेड वगैरह भी मिल जाते हैं, बट भाई मेरे को समझ नहीं आई ये वाले ग्रेनेड से ना वाला बंदा फटा क्यों नहीं। भाई प्रॉपर उसके पास जाके फटा है, देखो भाई प्रॉपर भाई जोन से कमरे में बंदा था ना वो उधर ही जाके बॉम्ब फटा है। पर मेरे को इतना पक्का पता था कि भाई ये वाला बंदा ना डैमेज बहुत ही ज़्यादा हुआ है। तो स्टार्टिंग में ग्रेनेड करने का सोचता हूँ और ये वाला ग्रेनेड मैं कर भी देता हूँ, बट भाई वो वाला बंदा सीढ़ियों में बैठा होता है। ये वाला ग्रेनेड करने के बाद मैं डायरेक्ट ही ना मैं बिना सोचे समझे इस बंदे के ऊपर घुस जाता हूँ। तो भाई जैसा कि मैं सोचा था ये वाला बंदा ना भाई ग्रेनेड अपने हील वगैरह कर रहा होता है, बट इतनी देर में ना ऊपर एक बंदा आया था मिनी वाला। तो भाई मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था मैं मिनी वाले से फाइट लूँ, तो आगे अपने स्मोक वगैरह करके प्रॉपर मेरे को इसके अंदर M4 वगैरह मिल जाती है। वो लेने के बाद पीछे गाड़ी खड़ी होती है, वो गाड़ी लेके अपने ना सीधा निकलते हैं ब्रिज वाली साइड, क्योंकि भाई अपनों को करना था ब्रिज ब्लॉक, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं मिस करने वाला था। बट यहाँ पर क्या सीन था, यहाँ पर है ना बंदे पेट्रोल पंप ही होल्ड करके बैठे हुए थे। मैंने सोचा था कि आगे कोई भी नहीं होएगा, बट भाई जैसे ही मेरे को सामने गाड़ी दिखती है तो मैं कंफर्म हो जाता हूँ भी यहाँ पर है ना कोई तो बंदा बैठा। अब देखो ये वाला बंदा मुझे फायर ही नहीं देता, जाओ तो मेरी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्पीड में थी इसीलिए वाले बंदे ने फायर नहीं दिया। बट भाई मैं कोई ये वाला ट्रक तो ना भी मेरे को ही लेना है, ये मैं तेरे को बिल्कुल आसानी से तो लेने देने वाला नहीं हूँ। तो अपने काम करते हैं डायरेक्ट है ना, इधर 1 से 2 सेकंड रुकते हैं ड्रिंक वगैरह लगाने के बाद, डायरेक्ट ही ना मैं मेरी गाड़ी उसके ऊपर ठोक देता हूँ। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बोला था 1 से 2 सेकंड है ना भाई ड्रिंक वगैरह लगाने का ही मैं वेट करता हूँ, और हैंड टू हैंड ना यहाँ पर आके गाड़ी ठोक देता हूँ। देखो जैसे ही इधर आता हूँ ये वाला बंदा ना हाथ में ले लेता है ग्रेनेड। तो अब है ना इसका भी एक ही बहुत ही बढ़िया मेरे पास ऑप्शन होता है, भी थोड़ा सा आगे जाते हैं ये वाले बंदे को ना पूरा अपने रोटेट करवा देते हैं जैसा कि मैंने सोचा था। अब देखो इस बंदे के हाथ में होता है ग्रेनेड और ये वाला बंदा ग्रेनेड भी लगा लेता है। अब बंदा बिल्कुल सामने होता है तो ये वाले बंदे को भाई अपने बहुत ही इजी तरीके से मारते हैं। तो भाई ये बंदा तो ना बहुत ही पागलों की तरह खेला था मेरे को तो भाई बिल्कुल भी नहीं समझ आया, बंदा भाई यहाँ पर बहुत ही गलत ही फंस गया था। ये चाहता तो भाई नीचे पानी वाली साइड भी कूद जाता, बट कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ट्रक अपना हो चुका है 6x, भाई सारा कुछ अपनों को मिल चुका है। तो जल्दी से लूट करते हैं और ट्रक के अंदर जाके बैठ जाते हैं। तो भाई यहाँ पर है ना शांति से ट्रक के अंदर बैठा था, बट इतनी देर में ना पीछे से बंदा आता है। तो भाई देखो ये वाले बंदे को तो मैं ना हैंड टू हैंड भाई पुश ही कर देता हूँ। तो भाई ये वाले बंदे ने शील्ड लगा ली था, अगर एक क्राउच करके शील्ड लगाता ना फिर भी ये बंदा बच जाता, बट भाई ये बंदा बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था। तो यहाँ पर ये वाला किल भाई अपनों को मिल ही जाता है। तो अपने इधर ही वेट करते हैं, वैसे देखो एंड जोन तक है ना भाई मैं इधर ही वेट करने वाला हूँ। तो भाई देखो इतनी देर में ना पीछे से ना बंदा आ रहा था, भाई बहुत ही तेज़ी में देखो कूद कूद के आ रहा था भाई। वैसे ना नीचे से जा रही होती है बोट, तो भाई ये वाले बंदे का ना मेरे ऊपर तो ध्यान होता ही नहीं, इसको पता भी नहीं होता इधर कोई बैठा हुआ है। तो बंदा देखो बोट को मारने के लिए निकल जाता है, बट भाई ये वाला बंदा ना यहाँ से जंप कर रहा होता है और वो वाले को बंदे को मैं मार देता हूँ।
बट भाई ये जो जीप वाला गया ना भाई, ये वाला किल तो ना मेरे को लेना ही लेना था किसी भी हालत में, क्योंकि अभी आप सबने देखा रेड डॉट से ना मैंने इतना ज़्यादा डैमेज दिया ना वो वाले बंदे को भाई, इतना डैमेज तो ना भाई कितना भाई, 2 से 3 हेड मारे उस बंदे को, फिर भी वो बंदा गिरा ही नहीं, क्योंकि भाई और स्टार्टिंग में भी मैंने उसको बॉडी के अंदर भी डैमेज दिया था। तो फिर मैं मेरी गाड़ी निकालता हूँ भाई, आप देखो ये वाले बंदे को तो मारने ही मारना था, तो जैसे ही इसको मारने के लिए आता हूँ भाई, यहाँ पर मेरे को पता था ये बंदा इधर ही आसपास ही रुकेगा और ये बंदा हैंड टू हैंड इधर ही जंप कर देता। अब ये वाले बंदे को देखना भाई ऊपर वाली साइड भाग जाता है, मेरे को पता था ये वाला बंदा ना भी डैमेज होएगा ही होएगा, बट भाई इतनी देर में बंदे ने हील वगैरह लगा ली होगी। अब ये वाले बंदे का एंगल देखना कितना बढ़िया निकालते हैं और इसको मारते हैं। तो भाई देखो अगर तुम भाई यहाँ पर कैंप करोगे ना, ये वाला एंगल तो भाई सबको ही पता है, सबको तो भाई बहुत ही रेयर बंदों को पता होता है जैसा कि मैं, अभी आप सबको भी पता लग गया होगा। तो भाई ये वाला एंगल भाई देखो बहुत ही बढ़िया, अगर कोई ऊपर बंदा कैंप करके बैठा हो उस बंदे को भाई बहुत ही इजी तरीके से अपने मार सकते हैं। तो भाई मैं देखो वापस से ब्रिज क्रॉस बी ब्रिज के ऊपर जाने का सोचता हूँ, बट भाई जोन आ चुका था, वैसे अभी भी 1 से 2 बंदे उस तरफ आने वाले थे, तो मेरे को लगा कि अभी ब्रिज के ऊपर जाऊँ या ना जाऊँ, फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो ब्रिज के ऊपर नहीं जाते, बट यहाँ पर क्या दिक्कत हुई मेरा हो जाता है सर्वर रिकनेक्ट। तो भाई एक बात का शुक्र मनाता हूँ भाई, ये जो मेरा सर्वर रिकनेक्ट है ना, ये मेरा फाइट के अंदर नहीं हुआ, अगर ये फाइट के अंदर होता ना तो भाई यहाँ पर ही मेरा इतना बढ़िया गेम निकलने वाला, जो कि मैं चिकन भी निकालने वाला हूँ ये वाले गेम में, ये वाले गेम की ना भाई पूरी ऐसी तैसी हो जाती। तो जल्दी से भाई देखो अपना सर्वर ठीक हो जाता है, अब जल्दी से गाड़ी लेके निकलते हैं बंदे मारने के लिए। अब देखो ऊपर वाली साइड है ना, एक देखना इतनी बुरी घटना होने वाली है ना भाई, मैं मेरी गाड़ी स्लो क्यों ही किया मेरे को खुद को नहीं समझ आया, देखो बिल्कुल धीरे धीरे आ रहा हूँ, वैसे ही सामने मेरे आ जाता है बंदा, अब देखना इसके साथ देखना क्या होता है। भाई मेरे को ये लग रहा था कि ये वाला बंदा ना गाड़ी के जा तो ऊपर आ गया होगा, आगे वाली साइड चल गया होगा, बट भाई ये वाला बंदा ना तो मरता है और ना ही ये बंदा गाड़ी के आगे वाले साइड आता है। तो भाई देखा कुछ नहीं कर सकते, अब यहाँ पर ना इसकी पेटी लूटते हैं और जल्दी से ना इधर से ना अपने निकलते हैं डायरेक्ट ही मिलिट्री वाली साइड, क्योंकि भाई जोन जो बना है वो मिलिट्री बेस के अंदर बना है, तो जल्दी से इसकी पेटी वगैरह लूट के अपने डायरेक्ट ही मिलिट्री बेस के अंदर निकलते हैं। तो भाई वहाँ से मैं बग्गी उठा लेता हूँ, मैं मेरी गाड़ी तो छोड़ ही देता हूँ, क्योंकि भाई उसमें थोड़ी बहुत डैमेज भी होती है और उसमें फ्यूल भी कम होता है, तो ये वाली गाड़ी में फ्यूल कम है, बट भाई इसे डैमेज तो भाई इसमें पूरा भी पूरा, तो क्या भाई ये बिल्कुल भी गाड़ी डैमेज नहीं है। इसी देर में देखो यहाँ पर मैं जैसे अक्सर तो ना भाई ऊपर वाला बंदा जो डीपी चलाता है भाई, यहाँ पर मेरे को एक बार के लिए लगा था भी अब तो ना भाई ख़त्म हो चुका हूँ मैं, बट भाई फिर भी यहाँ पर फाइनली अपने बच जाते हैं। अब जल्दी से हील करते हैं और ऊपर वाली साइड जाके बंदे वगैरह देखते हैं। तो भाई जैसा कि मैंने सोचा था ऊपर है ना कोई तो बंदा फाइट ले रहा होगा, अब यहाँ से ना भाई लेट के ना बिल्कुल कंफर्टेबल लग रहा था भी, यहाँ पर है ना बंदे को इजी मार दूंगा। देखो गाड़ी के ना राइट में हल्का सा बंदा लेटा हुआ है, यहाँ पर मैं मार नहीं सकता था, कंफर्म नहीं था, बट इतनी देर में बंदा ओपन आया था और ये वाले बंदे को देखना बहुत ही बढ़िया तरीके से मारते हैं। तो भाई एंडी के अंदर इस बंदे को हेड ही लग जाता है और ये वाला किल भी अपने निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर है ना जोन ही बनने का वेट करना था और कोई अपने पास ऑप्शन ही नहीं था, अब जो मेरी बग्गी थी वो तो टूट जाती है, बट जो मेरे साथ वाले घर में ना एक गाड़ी आई होती है और वो वाला बंदा भाई बिल्डिंग के अंदर है ना छुप के बैठा होता, तो यहाँ पर जोन बन चुका था। तो अब ये इसी बंदे की ना गाड़ी लेके मैं भाग जाता हूँ, मैं चाहता था वाला बंदे को ना अंदर से ढूंढ के मार देता, बट भाई पहले मेरा भी जोन ही जाने का होता है भाई, पहले तो अपने जोन ही जाओ, जोन के बाहर फाइट लेने का ना कोई भी मतलब नहीं है। तो देखो भाई बड़े आराम से यहाँ से मैं गाड़ी निकालता हूँ और डायरेक्ट ना ऊपर वाली साइड जाता हूँ। तो भाई यहाँ पर है ना 2 से 3 राउंड मैंने निकाल लिए थे, बट मेरे को ये लग रहा था कि अब है ना कोई तो बंदा मुझे मार देगा, क्योंकि सारे बंदे इधर ही कैंप करके बैठे हैं। इतनी देर में सामने से फायर रहती है, ये वाले बंदे का फाइट देखना। भाई अगर ये वाले बंदे के पास UMP ना होके ना कोई और गन होती यहाँ पर मैं मर जाता, इसीलिए मेरे को UMP बेकार लगती है, क्योंकि भाई UMP का ना एक तो रीलोड और दूसरा भाई UMP वर्सेस AKM, भाई मोस्टली AKM ही जीतती है, क्योंकि AKM का जो डैमेज है ना, अगर आप AKM कंट्रोल करना सीख लो तो भाई आपको UMP की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि UMP भाई नॉर्मल इजी कंट्रोल है, बस इसीलिए लोग उसको चलाना प्रेफर करते हैं और कोई भी बात नहीं है UMP में, क्योंकि भाई AKM ज़्यादातर लोगों से कंट्रोल नहीं होती है। भाई भाई मैं तो प्रेफर करता हूँ AKM, अगर आप AKM ही चला रहे हो ना तो भाई एकदम बेस्ट है। इतनी देर में नीचे से आती है गाड़ी, तो एक गाड़ी वाला ना एक लेटे बंदे को मार देता है, तो एक गाड़ी वाले के साथ फाइट अपनी हो जाती है। तो अब यहाँ पर मैंने वाले बंदे को डैमेज दे दिया है, बट भाई ये वाले बंदे रहना इतना ज़्यादा डैमेज मेरे को दिया ना भाई एक बार के लिए, तो
मेरे को लगा था कि मैं इधर मर ही जाऊंगा, बट भाई फिर भी अलग गेम अपने चिकन निकाल लेते। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपने ऐसी सोलो की जानदार मार से दाड़ वाली वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੇ ਤੇ ਲੱਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਬੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ।